उसका अदा करने की सोचो। भगवान बोले भाई देख लो, लेकिन वेद कहता है कि मैं वेद दसान बेटे घर का किस तरह तुम्हारा काम करूं। कहा मैं तो दशानन के घर गांव में आपका कैसे काम कर सकता हूँ, ये तो महाराज का नमक अदा करना नहीं, नमक को ऐसे खा जाना है, आपकी उधर से ही सुनाई चल रही उसी का ये काम है, मैं कैसे कर दूँ, इसलिए अनुचित यही होगा मुझे वहीं पर पहुंचा दो, वरना रावण जान जाएगा तो मेरी भी आफत कर डालेगा। भगवान बोले ठीक है भैया, जाओ हनुमान छोड़ाओ, वेदराज को जैसे लाए थे, क्योंकि हम इनसे जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ये न्याय की बात है, ये धर्म की बात है, और ये मेरा काम करेंगे वो अन्याय है, वो अधर्म है, लेकिन किसी की जान बचाओ तो वहां पर न्याय और धर्म और अधर्म ना देते। भगवान ने कहा भैया ठीक है, तुम्हारा मन नहीं है तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, बस तुम अपनी रास्ता अच्छी चुने रहो, तुम अपने धर्म को देखे रहो, क्यों, क्योंकि मैं तो अपने धर्म पे तो हूँ, तभी तो मैं दूसरे को क्यों अधर्म पे आने की सीख दूँ, क्योंकि मैं जिस धर्म है तो निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म है तो प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हर वे हुआ, ये जो भी हुआ वो हुआ तो धर्म के खातिर, और उस धर्म के खातिर आज लक्ष्मण भी चला जाए तो कोई भी टेंशन नहीं होगा, होगा लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन हम तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तुम धर्म को छोड़ के अधर्म के रास्ता को चुनो, अधर्म का कार्य करो, हम ये नहीं कहेंगे। आज वेदराज ने भगवान की बातें सुनी तो कहा सरकार आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, बोला और कोई होता किसी को मना करो वो जबरदस्ती करा लेता, लड़ाई झगड़ा करके करा लेता कार्य, लेकिन आपने, मैंने आपसे कहा तो आपने मुझे समझाया, मेरे को आपने अच्छी सीख दी, तो आपका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा, वास्तविकता में आप भगवान हैं, आपका कार्य करने से हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है मैं आपका कार्य करने को तैयार हूँ। आज वेदराज ने क्या किया, आए लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण की नवज देखी नाड़ी, तो देखा क्या धीरे धीरे चल रही थी, तो कहा गहरी चोट बहुत ज्यादा लगी हुई है लक्ष्मण के, राम जी बोले तो बचने की उम्मीद नहीं है, कहा उम्मीद है, द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी भूमि है, यदि वो सूर्य निकलने से पहले आ जाए लक्ष्मण के मुख में पहुंच जाए तो इनके बचने की उम्मीद है, वरना कोई वारंटी नहीं है। राम जी बोले अब कौन जाए कौन लाए सूर्य निकलने से पहले संजीवनी बोली, वो तो बहुत दूर है। जब राम जी ने ये कहा सोचा हमें लग रहा हमारा लक्ष्मण बच नहीं पाएगा, तो वही बात हनुमान जी महाराज आ गए, बोले जिस पर कृपा राम की हो तो वो काम कठिन भी आसान बन जाता है, तो वो मैं लाऊंगा संजीवनी बोली को द्रोणागिरी पर्वत से। तो राम जी ने कहा तुम लाओगे सारा काम तुम ही करोगे पुत्र, तुम्हारे ऊपर गर्व है मुझे। हनुमान जी बोले चिंता ना करो, मैं बहुत जल्द लक्ष्मण से बातें आपकी कराऊंगा। तब हनुमान जी महाराज राम जी का नाम लेते हैं, बड़ी तेजी से गर्जना करते हैं, राम चरणस्थ सरसिज उर राखी, चल्यो प्रभंजन सुत बल भाखी, वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल देवी घर आवा। इधर हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने आ रहे, रावण को इधर पता चल गया कि हमारी लंका का वेद वो वही वानर पूरे घर समेत हमारे वेद को राम जी के पास ले गया, अब वो वानर आ रहा है
संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत पर लक्ष्मण को बचाने के लिए सूर्य से निकलने सूर्य भगवान के निकलने से पहले पहुंचना है। अगर सूर्य भगवान निकल आए फिर वो अपना असर नहीं करेगी। तो रावण आ गया काल देवी के घर, कहा देखो जो बानर आ रहा है संजीवनी बूटी लेने, उस बानर की रास्ता घेर लो, बातों में बहकाओ जिससे वो देरी हो जाए और सूर्य भगवान निकल आए और तब तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं रहेगी। श्रीलंका का राजा रावण कहता है काल देवी से कि रास्ता रोको उस बानर की, नहीं तो खेल बिगड़ता जाए। काल देवी ने माया रच दी, सुंदर लीला बाग बनाए। काल देवी ने माया रच दी, सुंदर लीला बाग बनाए। रोक लिया है पवन चंद्र को और बातों ने दिया फसाए, कर स्नान कभी जब ठावे। काल देवी ने माया रच दी, लिया बातों में आज फसाए। काल देवी से रावण ने कहा, रावण की बात का पालन करने के लिए काल देवी ने कहा सरकार ठीक है, हम ऐसा करेंगे, आप चिंता बिल्कुल भी ना करो। तो काल देवी आया और इसने अपनी माया के द्वारा एक बाग बनाया, फुलवारी बनाई, सरोवर बनाया और बाबा का रूप बना लिया और बैठ गया, राम जी के नाम का उच्चारण करने लगा। इधर हनुमान जी महाराज आकाश में उड़ रहे हैं। हनुमान जी महाराज को प्यास लगी, हनुमान जी ने सोचा लाओ ये बाबा का आश्रम है, यहाँ पर चलकर के पानी पी के प्यास बुझाते हैं। तो इसने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने इसे देखा, हनुमान जी सदैव बाबा होगा। तो हनुमान जी नीचे उतर आए, बोले बाबा आपका आश्रम देख के हमें प्यास लगी थी, हम रुक गए यहाँ पर, लाओ मुझे पानी पीना है। तो कहा बैठो बच्चे, हम तुम्हें पानी दे रहे। तो बस थोड़ा सा पानी दिया, हनुमान जी बोले अपने में यहाँ कुछ हमारे नहीं होगा, हमें तो बहुत जोर से प्यास लगी है। तो कहा बेटा बस इतना थोड़ा पी लो, बाकी सरोवर है वहाँ जाकर के पी लेना। और देखो हम योग माया दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अभी अपनी माया का वर्णन कर रहा था कि ये जाने हमें ये बाबा अच्छा है। तो काल देवी कहता है राम सिया राम सिया राम, जय जय राम पुकार राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम नहीं कोई सुध लेने में कब से राह निहारो, राम नहीं मेरी सुध लेने में कब से राह निहारो। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम पुकार राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम पुकार राम पुकार राम नहीं मोरी सुध लेने में कब से राह निहारो, हाय राम नहीं मेरी सुध लेने में कब से राह निहारो। किते तो आवे किते तो जावे, किते तो आवे किते तो जावे, बाबा जी सब देखा रे जानो रे बड़ी मोर बटे हो कर लो रह दे बसेरा रे, जानो रे बड़ी मोर बटे हो कर लो रह दे बसेरा रे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम पुकारो राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम राम पुकारो। राम भगवान की।
बाबा काल में भी जो है बाबा का रूप बनाए, बातें बता रहा है कि हमें पता है तुम कहाँ से आए हो, कहाँ को जा रहे हो। तुम्हारे राम और रावण का युद्ध हो रहा है, हम योग दृष्टि से देख रहे हैं। बेटा चिंता ना करो, उसमें राम की जीत होगी, रावण की हार होगी। हनुमान जी ने सोचा बाबा तो बड़े होशियार लग रहे हैं हमका, बाबा बताओ योग दृष्टि से सब देख रहे। अरे बाबा तुम तो आप तो बहुत होशियार हो, बाबा ऐसा है हम आपको गुरु बना ले, आपके हम चेला बन जाए। कहा ये तो हमारा भी मन था, ऐसा करो जाओ पहले आज जल पियाओ, हाथ पैर धुलाओ, फिर आओ, हम तुम्हें गुरु मंत्र देते हैं और गुरु बनाते हैं। ये सोच रहा बातों में बहकाएंगे, प्रातः काल हो जाएगा, लक्ष्मण के बचने की संभावना नहीं रहेगी। हनुमान जी सरोवर में आए, हाथ पैर धोए, पानी पिया, और जैसे ये कर ही रहे थे तैसे मगर मच्छनी एक आई, हनुमान जी का पैर पकड़े लिया। हनुमान जी को आ गई गुस्सा, उसको पकड़ा, चीर फाड़ के किनारे डाल दिया। तब वो एक बड़ी सुंदर नारी बन गई और कहा हे हनुमान, तुम्हारे द्वारा मेरी मृत्यु नहीं, मेरा तो उद्धार हो गया, मैं गंधर्व ऋषि के श्राप से आज मुक्त हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आगे जो बाबा है ना, इसे बाबा मत समझना, ये राक्षस है, रावण की तरफ से चाल चल रहा है, ये आपको बातों में बहका रहा है कि ताकि आप बातों में आए और सूर्य जी ठाकुर भगवान निकल रहे, लक्ष्मण के बचने की संभावना ना रहे। हनुमान जी बोले देवी हमने तुम्हारा उद्धार किया, तुमने हमें ये बताया, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद, और हम जा रहे हैं, हम इससे निपटेंगे जाके। हनुमान जी आए, काल देवी ने देखा आ गए पुत्र, हनुमान जी बोले हाँ आ गए। अब तो हनुमान जी को सब पता चल गया, बोले लाओ गुरुदक्षिणा दे देखो, गुरु मंत्र दे दे। हनुमान जी बोले नहीं बाबा, पहले आप गुरुदक्षिणा ले लो, बाद में मंत्र दे देना। तो कहा ये बात कोई हुई, पहले मंत्र लो बाद में दक्षिणा देना। कहा नहीं, हमारे यहाँ दक्षिणा पहले दी जाती है, मंत्र बाद में दिया जाता। तो कहा लाओ, हनुमान जी ने बढ़ाई पूछी, बढ़ाई और बढ़ाते जा रहे हैं। अब बात काली देवी को पोछे में यहाँ बांध दिया और बांध करके फुटबॉल की तरह हनुमान जी ने काली देवी को फेंक दिया कि राम राम कई छाग सी प्राणा सुन मन हर सी चले राम राम कहकर के काल देवी ने अपने प्राण त्यागे और इधर मेरे हनुमान जी महाराज काल देवी का उद्धार करके आज आ रहे हैं द्रोहागिरी पर्वत पर संजीवनी मूर्ति लेने के लिए। देखा समय तो बहुत हो गया और अभी हम पहुंचे नहीं, सूर्य भगवान से बोलने निकलिए ना, जब तक हम अपन काम ना कर ली, छिपे रहना, निकलना मत, वरना आप तो मेरे बारे में जानते हो, बचपन में निकल गए थे तो निकाल भी दिया था, तो अब की बिना हमारे काम से रे निकल ही आयो, तो मुंह मारक करीब जिंदगी में यहाँ नहीं करीब ही ना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए छुपे रहना जब तक जड़ी पहुंचाना तुम्हें, संकट की दिशा मिटा दूं तब निकलना, तेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा। सूर्य भगवान बोले चिंता ना करो, ना ही निकली भाई,
कि आपका इतना ज्यादा भय हमारे अंदर भरा है। अब हनुमान जी महाराज दोगागिरी पर्वत पर आए, अब देख रहे हैं यहाँ भी रावण की चाल थी। वेद ने कहा था जो ज्यादा चमके वही संजीवनी बूटी, और इसने यहाँ पर चाल क्या करवाई, लाइट की व्यवस्था सब बूटियों में कर दी। जितनी द्रोणागिरी पर्वत पर बूटियां हैं सब में लाइट की व्यवस्था। हनुमान जी ने कहा इसमें तो सब में व्यवस्था है, और सुखदेव वेद ने कहा था जो ज्यादा चमके वही बूटी है संजीवनी बूटी, उसी लेके आना। ऐसा करते हैं हम, ऐसे अगर मान लीजिए हमने समझ लिया ये बूटी है, हम वो ले गए, बाद में वहां कहा जाए ये नहीं तुम तो गलत ले आओ दूसरी लाओ जाके, तब तो दौरान हो जाएगी, नजवा जी बच नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी ने क्या किया, पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया। बोले हनुमान जी महाराज की जय। देखा सेल न औषधि जितना, सहसा कपि ऊपर गिर लीना। हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत को हाथों में रख करके एक हाथ में गदा आकाश में उगते हुए नंदीग्राम अयोध्या से होते हुए आ रहे हैं रामानल में, जहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। और इधर रात्रि का समय हनुमान जी महाराज नंदीग्राम से होते हुए आ रहे, भरत जी तपस्या कर रहे, भरत जी तपस्या कर रहे तो भरत जी के मंत्रियों ने दूतों ने देखा कि रात्रि के समय हनुमान जी गदा लिए एक हाथ में पर्वत है और द्रोणागिरी वो लेकर के जा रहे, तो दूतों ने समझा ये कोई रात्रि के समय राक्षस है, भरत को बताया जा करके। भरत जी ने देखा, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, दिन भर सरस की मारे चाप श्रवने लगी। भरत ने देखा तो भरत ने समझा ये तो राक्षस है कोई, भरत ने बाण निकाला और हनुमान जी के ऊपर चला दिया। अब वो बाण हनुमान जी के लगा और तब हनुमान जी के मुख से राम राम निकला, और राम राम कह करके परे मूर्छ में लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। हनुमान जी पृथ्वी पर गिर गए, राम राम कह रहे राम राम। भरत ने देखा रे ये तो कोई मेरे भैया का नाम ले रहा है। अब हनुमान जी के पास में भरत आए और भरत ने हनुमान जी का सर अपनी गोद में रख लिया और पूछा आप कौन हो, ये किसका नाम ले रहे हो, अरे ये तो नाम मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है जिसका भी नाम ले रहे हो, बताओ मुझे। हनुमान जी की भाई बाण लगा हुआ है, बड़े धीरे से बोले मैं राम जी का दूत हूँ, भगवान राम के चरणों का दास हूँ, मैं अपने राम का कार्य कर रहा था और आपने मेरे बाण में बाधा डाल दी बाण चला करके। अरे मेरे प्रभु के ऊपर दुख आया हुआ है, लक्ष्मण की शक्ति लगी हुई है, मेरे प्रभु के ऊपर दुख आया हुआ है, मुझे सूर्य के निकलने से पहले वहां तक पहुंचना है, और बस वो कोई भी समय प्रातःकाल होने में नहीं रह गया, और आपने मेरे बाण चलाकर के बाधा क्यों ये डाली, मुझे क्यों जाने नहीं दिया। भरत ने जैसे सुना एकदम पहाड़ टूट पड़ा, हे विधाता ये मेरे से क्या हो गया, देखो तो मैं कितना भागा हूँ जो भैया की सेवा नहीं बल्कि भैया के मार्ग में बाधा डाल रहा हूँ, कोई अगर कर रहा है सेवा मुझे माफ कर दो भक्तराज, मैंने आपको कोई देख के समझा रात्रि के समय पर्वत लिए जा रहे थे इसलिए मैंने बाण जलाया, मैं नहीं जानता था तुम मेरे भैया के भक्त हो और जिसका नाम है वो तो हमारे भैया है, बहुत मैं पापी बहुत अधम। भरत जी पछता रहे हैं रो रहे हैं, अरे मेरे लक्ष्मण की शक्ति लग गई, अरे लक्ष्मण कितना भाग्यशाली है जो भैया के चरणों में जिया, भैया के चरणों में मर रहा, और मैं कितना पापी हूँ जो मेरे कारण भैया को वनवास मिला और लक्ष्मण की शक्ति लगी और कोई बचा रहा तो मैंने बाधा डाल दी, बताओ मैं तुम्हें अपने बाग पर बिठा कर भी पहुंचा दूं। और हाथ फेरा भरत ने, सारी पीड़ा दूर हो गई हनुमान जी की। हनुमान जी ने सोचा अगर इनके बाग पे बैठ जाए जाएंगे राम जी के पास पहुंच तो जल्दी जाएंगे, लेकिन नाम हमारा नहीं इनका होगा,
जो किया वो कुछ नहीं मेरा रह जाएगा। बोले नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तब भरत ने कहा अगर जा रहे हो तो ऐसा है मेरे भैया राम से कहना मुझे माफ कर दे। और मेरे भैया राम से कहना 14 बरस से एक भी ओवर दिन ना होने दे, और बाद 14 बरस होने के बाद तुरंत मेरे भैया आ जाए, वरना भरत को जीवित नहीं पाएंगे। जाकर के कहना श्री राम से कह देना एक तो बात अकेले में, श्री राम से कह देना एक तो बात अकेले में, श्री राम से कह देना एक तो बात अकेले में, दुनिया के अंधेरे में काहे भरत भैया दिन रात अकेले रोता है भरत भैया हनुमान जी की बातें हुई। हनुमान जी ने कहा अब जाकर बात करने का समय नहीं है, सूर्य भगवान के निकलने से मुझे पहले लक्ष्मण को बचाना है। या कहकर मस्तक नवा चले तुरंत हनुमान, मन ही मन करते हुए भरत लाल का ध्यान, भरत जी का ध्यान कर रहे थे कि भरत और राम जी एक कहे। इधर हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत को उठा के लेके आ रहे हैं, पूरे पर्वत को। भगवान राम जी और परेशान हुए, अर्ध रात्रि चली गई, अभी हनुमान जी नहीं आए। हमें लग रहा हमारा लक्ष्मण मेरा भाई अब हमसे कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि सूर्य भगवान निकलने वाले हैं। अर्ध रात गई कभी नहीं आवा, राम उठाई अतुज उर लावा। राम जी लक्ष्मण को हृदय से लगा रहे, लक्ष्मण एक बार आके खोल के मुझसे बातें कर लो, अब हमें लग रहा हम तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे। मेरे भैया
तुम्हारे बिना सब बेकार है। भगवान भी नहीं आए, देखो कितना समय हो गया, मैंने तुम्हें बहुत मना किया लेकिन तुम नहीं माने, अयोध्या से साथ में आए। बहुत कबर जो तुम ना माने, बल को संग ही आए। पिता मरण असहरण सिया को तुम्हें साथ सिधाए। कैसे मुख को दिखाओ जगत में, हृदय के तू पट खोल। कहां पीर होई तेरे भैया, मुख से वीरन बोल। लक्ष्मण भैया लक्ष्मण भैया, अखिया तो दिख खोल। कहां पीर होई मेरे भैया, मुख से वीरन बोल। सब तक क्या हुआ, राम जी विलाप कर रहे, कहते हैं सुतवित नारी भवन परिवारा, होई जाई जगवारई वारा। दुनिया में नारी पुत्र भवन परिवार मिल सकता है दोबारा, लेकिन अस विचार जिए जागहुताता, मिलही न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन दुनिया में भाई दोबारा नहीं मिल सकता है, पत्नी पुत्र जा जाए घर मकान मिल सकता, भाई नहीं मिल सकता। जागो लक्ष्मण जागो, भगवान परेशान हो रहे थे, तब तक हनुमान जी आ रहे थे, वो पर्वत लेके इतनी लाइट थी तो उसकी लालिमा लग रही थी। बादल लोग सब देखने लगे आकाश की ओर, समझा ये जो लालिमा है सूर्य भगवान निकल रहे हैं, हमें लग रहा हनुमान जी नहीं आ पाएंगे, ठाकुर जी निकल आएंगे, तो वही हुआ। लेकिन जब क्या देखा, जो हनुमान जी पास आ गए, पास आए हनुमान जी को देखा कि सचमुच इतने में वहां आ पहुंचे कपिनाथ, ज्वाला से जलते हुए सेल खंड के साथ। तब देखा हनुमान जी पर्वत को लेकर के, जो बूटी है वो सब जल रही है। हनुमान जी मुस्कुराते हुए आए, वानर की सेना खुश हो गई, जय जयकार करने लगे। तुरंत वेदराज के पास हनुमान जी ने ला करके वही पर्वत रख दिया। वेदराज बोले जो करते हो थोड़ा नहीं ज्यादा ही करते हो तो। हनुमान जी बोले आपने वादा लाइट जिसमें ज्यादा हो वही लाना, यहाँ पर देखो सब में लाइट है। वेदराज बोले ये रावण की चाल है, कोई बात नहीं। गए वेदराज, तुरंत वेद तब की ने उपाई, उरी बैठे लक्ष्मण हर साई। बस वो संजीवनी बूटी ली, घोटे में डाली, उसका अर्क निकाला और वेद ने लक्ष्मण के मुख पे बोले संजीवनी बूटी डालना। जैसे पड़ी जाकर के बूंदे गिरी, एकदम लक्ष्मण की आंखें खुली, ओठ हिले, भैया को देखा, राम ने लक्ष्मण को देखा, हृदय लाई दे प्रभु लक्ष्मण को हृदय से लगाया, सब जय जयकार करने लगे, सब बड़े प्रसन्न हो गए, हनुमान जी का जय घोष करने लगे। अब तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही, लक्ष्मण की शक्ति दूर हुई, हनुमान जी ने बहुत बड़ा बड़ा कार्य किया। तुरंत हनुमान जी वेदराज को ले गए।